हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन टू डिजिटल वैज्ञानिक माय सेल्फ मानविंद्र चौधरी। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक प्लगइन की मदद से, फू गैलरी प्लगइन हम यहां पर यूज़ करने वाले हैं, उस प्लगइन की मदद से आप अपनी वेबसाइट में इमेज लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने लास्ट वीडियो में विदाउट एनी प्लगइन आपको कुछ इस तरह से लाइब्रेरी क्रिएट करने का बताया था कि आप किस तरह की लाइब्रेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस लेवल में जाकर एक प्लगइन की हेल्प से उस इमेज लाइब्रेरी को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले एडमिन पैनल पर अपने आ जाता हूँ। एडमिन पैनल पर आने के बाद मैंने जो लास्ट में जो एक पेज ऐड किया था प्लगइन की लाइब्रेरी करने करके और गैलरी करके, उसे मैं सिंपली एक बार मैं ट्रेस में डाल देता हूँ, यानी कि इसे डिलीट कर देता हूँ। और उस ना होने के बाद आपको सिंपली वो एक प्लगइन सर्च कर लेना है। अगर आप चाहें तो फू गैलरी, जिस प्लगइन का यूज़ मैं कर रहा हूँ, आप उसी प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आप कोई और प्लगइन यूज़ करना चाहते हो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इसका इतना रहता है कि आपको जो प्लगइन की आप जैसे कि कोई भी प्लगइन यूज़ करें उसमें आपको एक सिंपली एक गैलरी क्रिएट कर लेनी है, आपकी इमेजेस अपलोड कर देनी है, आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देना है। और वो प्लगइन आपको, कोई भी प्लगइन आप यूज़ करेंगे, चाहे आप गैलरी यूज़ करें, चाहे आप कोई भी किसी तरह का प्लगइन यूज़ करें, उसमें आपको सिंपली एक छोटा सा शॉर्ट कोड दे दिया जाता है। आपको उस शॉर्ट कोड को अपने पेजेस में ऐड करना रहता है। तो वो सारा फंडा ये शॉर्ट कोड का ही रहता है, चाहे आप कोई भी प्लगइन यूज़ करें। तो अभी हम यहाँ पर सिंपली आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्लगइन लाइब्रेरी के लिए यूज़ हो सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज लाइब्रेरी प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, इतना करके हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। और हमको यहाँ पर कई सारे जो है इमेजेस की लाइब्रेरी ऐड करने के लिए ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि फोटो गैलरी बाय 10WP, इमेज लाइब्रेरी, लाइट बॉक्स गैलरी, फिर प्लगइन कैटेगराइज। इस तरह से आपको, आप जो चाहें वो प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम यहाँ पर फू गैलरी प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं, जिसे एक बार मैं कट कर देता हूँ और आपको यहाँ पर सिंपली फू गैलरी प्लगइन में आके दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली प्लगइन्स में आ जाना है। प्लगइन्स में आने के बाद आपको ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फू गैलरी नाम का प्लगइन सर्च कर लेना है और उसे ऐड कर देना है। सिंपली मैं गूगल में फू गैलरी प्लगइन लिख देता हूँ और देख लेते हैं कि वो प्लगइन अभी कहाँ अवेलेबल है। सिंपली मैं यहाँ पर ये वाला प्लगइन हमको देखने को मिलेगा। सिंपली मैं ये वाला प्लगइन ले लेता हूँ, ये देखिए बेस्ट इमेज गैलरी रिस्पॉन्सिव गैलरी। सिंपली इतना टाइटल मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो यहीं से डाउनलोड करने के बाद अपने वर्डप्रेस में अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपलोड वहाँ से नहीं करना चाहता, तो सिंपली मैं यहाँ पर इतना कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ और हमको सबसे पहला वाला प्लगइन ही दिख जाएगा। ये रहा हमारा प्लगइन, जैसे कि आप देख सकते हैं यही है। आपको सिंपली इस पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको इसे एक्टिवेट करना रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्लगइन यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली यहाँ पर आपको एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद आपका सिंपली यहाँ पर प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद आपको सिंपली फू गैलरी का एक ऑप्शन साइड बार में देखने को मिल जाएगा। आपको उस फू गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फू गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का प्रोसेस देखने को, है यूजर नेवर मिस इम्पोर्टेंट अपडेट, इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए, इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको एक सबसे पहले ऐड मीडिया गैलरीज में आने के बाद आपको सिंपली ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। ऐड बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऐड मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ऐड टाइटल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ अबाउट आवर गैलरी करके लिख देता हूँ। इतना यहाँ पर और गैलरी लिख देता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं अपनी मीडिया ऐड करता हूँ। तो मीडिया में जो हमने लास्ट टाइम फोटोस अपलोड की थी, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाकर देख लीजिए। इतना सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं ऐड मीडिया पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड मीडिया पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिंपली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमको प्रीव्यू किस तरह का दिखाई देगा। तो प्रीव्यू हमको यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और सिंपली और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग देखने को मिल जाएगी। थंबनेल साइज आपको 150x150 या फिर आप अपने हिसाब से चाहे तो थंबनेल साइज रख सकते हैं। और अगर आप चाहें कि इस पर किसी भी इमेज पर कोई भी क्लिक करे तो वो क्या ओपन होना चाहिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी क्लिक करे तो उसकी फुल इमेज ओपन हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर आप फुल इमेज पर क्लिक कर सकते हैं या फिर अटैचमेंट कोई रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कोई कस्टम URL भी रख सकते हैं और आप नॉट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। सिंपली मैं फुल इमेज रहने देता हूँ, यानी कि इनमें से किसी भी इमेज पर कोई भी क्लिक करेगा तो उसकी फुल इमेज ओपन हो जाएगी। अगर आपको लाइट बॉक्स चाहिए तो लाइट बॉक्स फू गैलरी नॉट इंस्टॉल प्रो, यहाँ पर नॉट इंस्टॉल। अगर आपने लाइट बॉक्स इसका इंस्टॉल कर रखा है तो आपको एक प्लगइन होता है फू बॉक्स का,
उसे आपको सिंपली इनेबल कर देना होता है और यहाँ से आपका लाइट बॉक्स भी इनेबल हो जाता है। सिंपली अभी मैं इसे नन रहने देता हूँ। और आपकी स्पेसिंग कितनी रखनी है, आप यहाँ पर हमारी स्पेसिंग 10 पिक्सल्स की है। सिंपली अगर आप चाहें तो बढ़ाया घटा सकते हैं। और एक बार मैं इसे 15 पिक्सल करके देखता हूँ कि हमारी स्पेसिंग कितनी होती है। 15 पिक्सल में इतनी हो जाएगी। और एक बार मैं 5 पिक्सल भी करके देखता हूँ, 5 पिक्सल में हमारी बिल्कुल कम स्पेसिंग रहती है। तो सिंपली मैं एक बार 5 पिक्सल रहने देता हूँ और अलाइनमेंट में सिंपली सेंटर में ही रहने देता हूँ। और सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद अब आपको यहाँ पर साइड में आ जाना है। साइड में सिंपली पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश पर आप इसे बाद में देखते हैं। आपका ये जो शॉर्ट कोड है आपको इसे सिंपली कॉपी करना था। यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन छेड़ने नहीं है, सिंपली ये वाले कोड को आपको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और इस इमेज लाइब्रेरी को आपको पब्लिश कर देना है। तो एक बार ये इमेज लाइब्रेरी पब्लिश हो जाए उसके बाद सिंपली आपको पेजेस में आ जाना है। पेजेस में आने के बाद आपको सिंपली नया पेज एक ऐड कर लेना रहता है। तो अभी हमारे ये वाले पेज पर कुछ इस तरह का था, इस तरह से इमेज लाइब्रेरी थी। सेम पेज पर मैं आपको सेम यूआरएल के साथ एक लाइब्रेरी क्रिएट करके दिखाता हूँ कि आपकी लाइब्रेरी यहाँ पर फिलहाल आप अभी देख सकते हैं कि इस तरह की लाइब्रेरी है। और मैं आपको सेम यूआरएल पर अभी क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरह की लाइब्रेरी हमने क्रिएट की है। और ये सिंपली मैं पेज का टाइटल लिख देता हूँ और गैलरी करके लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक ऐड ब्लॉक कर देना है। आपको यहाँ पर जैसे ही सर्च बॉक्स में कोड लिखेंगे आपको शॉर्ट कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। शॉर्ट कोड में आपको वो इमेज गैलरी वाला प्लगइन का ऐड कर देना है और सिंपली ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में जाना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कैसे आपके वेबसाइट में से ये साइड बार जो होते हैं, यहाँ पर साइड बार नज़र आते हैं और फुटर नज़र आता है, उसे कैसे रिमूव कर देना है। सिंपली मैं उस सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और सिंपली मैं यहाँ पर साइड बार में आने के बाद इसे नो साइड बार पर क्लिक कर देता हूँ। फुटर में आने के बाद इसे जीरो विजिट पर क्लिक कर, और कंटेंट में फुल विथ पर और डिसेबल। जब मैं यहाँ पर मेरा टाइटल दिखाना नहीं चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई भी टाइटल अभी भी विजिबल नहीं है, इस तरह से मैं रखना चाहता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद हमारा पेज जो है पब्लिश हो जाएगा। अब ये अपडेट हो रहा है। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पेज किस तरह से बनाया। सिंपली मैं व्यू पेज पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि सेम पेज पर हमारा ओपन होगा। हमने ये पहले जो पेज किया था लास्ट वीडियो में बना था विदाउट एनी प्लगइन, वो हमने सिंपली वर्डप्रेस के ही पेज का सिस्टम का यूज़ करके बनाया था इस तरह से। और अब हमने जो बनाया है उसे आप देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पर ये नज़र आता है। यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे इमेजेस ओपन हो रही हैं, आप यहाँ से इन सबको चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपने हिसाब से करना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और सिंपली आपको इसके फिर से फू गैलरी के सेटिंग में आ जाना है। फू गैलरी में आने के बाद आपको सिंपली गैलरीज पर क्लिक करना है। गैलरीज में आपको आपकी जो आपने गैलरी क्रिएट की है उसे दिखाई देगा। आपको सिंपली एडिट पर क्लिक कर देना है और इसको आपको साइज को बढ़ाएंगे तो आपकी ये गैलरी का भी साइज भी बढ़ेगा, इससे आपकी इमेज का साइज बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसमें स्पेसिंग को बढ़ाकर 10 पिक्सल रख देता हूँ। और यहाँ पर आपको ये विड्थ बढ़ानी रहती है। सिंपली मैं यहाँ पर 500x500 कर देता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं। और इतना करने के बाद हमको इतना अपडेट पर क्लिक कर देना है। एक बार अपडेट होने के बाद आपको सिंपली फिर से आपके वेबसाइट में जाना है। आपको अपने दोनों साइड में एक बार एक जगह आपको एडमिन पैनल और एक जगह आपको वेबसाइट, दोनों चीज़ें ओपन करके रखनी है ताकि आप लाइव देख सकें कि आपकी वेबसाइट में क्या किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमारा कुछ इस तरह का आ गया, दो दो इमेजेस शो हो रही हैं और हम यहाँ पर कुछ 3-4 इमेज शो करना चाहते हैं, यानी कि एक कॉलम में 3 या फिर 4 इमेज शो हैं। तो सिंपली एक बार मैं फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे और इसे एक बार फिर से चेंज करता हूँ। फिलहाल हमारा यहाँ पर 500x500 है, तो अभी मैं इसे 200 कर देता हूँ। और अब इसे अपडेट करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। सिंपली मैं 200 करने के बाद इसे अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। अपडेट पर क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट में चेंजेस होंगे। ये इमेज की साइज छोटी हो जाएगी, अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है गलती से, इसे हम छोटा करना होता है। अब मैं फिर से एक बार यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट में क्या सारे चेंजेस हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में कुछ इस तरह से इमेज हो गई है। तो फिलहाल हमने इसे 200x200 रखा है। अगर आप चाहें तो 250 यानी 250x250 रख सकते हैं ताकि आपकी यहाँ पर अभी 6 इमेजेस हो रहे हैं। अगर आप 250 करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इमेजेस की साइज चेंज कर सकते हो। अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और इमेज लाइब्रेरी में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सारे इमेजेस की साइज एक ही रखें, ऐसा नहीं है कि आप एक इमेज की साइज अलग रखें और दूसरे की इमेज की साइज अलग रखें। ये तो हो गई हमारी जनरल सेटिंग। अब आपको अपीयरेंस में आ जाना है। थीम आपको किस तरह से रखनी है, थीम में आपको लाइट रखनी है,
फिलहाल हमारे लाइट थीम है, आप उसे डार्क चाहें तो डार्क रख सकते हैं, और अपनी थीम के हिसाब से रखना चाहें और इसे कस्टम भी करना चाहें तो कस्टम भी रख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर लाइट रख देता हूँ और बॉर्डर की साइज़ मैं थीम मीडियम रहने देता हूँ, और राउंडेड कॉलम मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा स्मॉल राउंडेड कॉलम हो। ड्रॉप ड्रॉप शैडो अगर आप चाहें तो ड्रॉप शैडो में आउटलाइन बना सकते हैं, इसे मैं आउटलाइन इनर शैडो में कुछ नहीं करना चाहता हूँ। और लोडिंग आइकन मैं चाहता हूँ कि हमारा ये वाला लोडिंग आइकन शो हो, या फिर अगर आप ये चाहें तो ये भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली ये वाला लोडिंग आइकन रख दिया। लोड इफेक्ट यहाँ पर मैं चाहता हूँ फेड फेड इफेक्ट शो हो। उसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद मैं सिंपली लाइट बॉक्स में आ जाता हूँ। अगर आपने यहाँ पर लाइट बॉक्स का फू बॉक्स वाला प्लगइन इंस्टॉल करके रखा होगा तो वो आपको दिखा देगा कि यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखा देगा। उसके बाद होवर इफेक्ट, होवर इफेक्ट में आपको सिंपली नॉर्मल में ये वाला प्रेस में अगर ये चाहें तो अगर आप इसे इसका प्रो वर्जन परचेज करना चाह करना होगा। और थीम में मैं यहाँ पर डार्क रहने देता हूँ, कलर इफेक्ट कलराइज रहने देता हूँ और स्केलिंग इसे भी फिलर रहने देता हूँ। हुआर इफेक्ट में मैं सिंपली ये वाला सिलेक्ट करता हूँ ताकि हमको फिलहाल में ये दिख रहा है उसकी जगह हमको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली मैं कैप्शन पर आ जाता हूँ। अगर आप चाहें तो आपकी सारी इमेजेस के कैप्शन में रख सकते हैं, अटैच फाइल टाइटल रख सकते हैं। तो सिंपली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैप्शन को रहने दीजिए। अगर आप चाहें कि चाहते हैं कि आपकी एक इमेज किस बारे में ये आप बताना चाहें, सिंपली कैप्शन में आप यहाँ पर अटैच फाइल टाइप या फिर अटैच कैप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने कस्टम कैप्शन अटैच कर सकते हैं। वो सारे के सारे पेजिंग में आने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पेजिंग में यहाँ आने के बाद आपको क्या होगा कि आप जैसे ही इमेज पर होवर करेंगे वैसे ही इसकी जो कलर बदलेगा, वरना आपका सारा का सारा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। पेजिंग टाइप यहाँ पर आप डॉट भी रख सकते हैं, यहाँ पर आपके डॉट शो होंगे और इसे सिंपली मैं इतना रहने देता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर इफेक्ट होवर इफेक्ट को नन कर दिया है और सिंपली अब हमारा ये पेजिंग वाला ऑप्शन ख़त्म। ये डॉट यहाँ पर डॉट ही आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद आपको फिल्टरिंग में आ जाना है। फिल्टरिंग यहाँ प्रो वर्जन में होगा, वीडियो में भी, और उसके बाद सेटिंग एडवांस सेटिंग में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सिंपली मैंने जो भी चेंजेस किए उनको सिंपली मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। और अब मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एक बार अपडेट हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिंपली वेबसाइट पर जाकर के किया किस तरह से हमारे चेंजेस हो गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है अपडेट हो चुका है। अब मैं सिंपली रिफ्रेश पर क्लिक करता हूँ। रिफ्रेश पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकेंगे कि देखिए हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन, देखिए ये हमारे लोडिंग का बटन भी चेंज चुका है। और ये देखिए ये पेजिंग वाला ऑप्शन था जो मैंने आपको डॉट वाला बताया था, वो पेजिंग वाले ऑप्शन से क्रिएट होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आप फू गैलरी नाम के प्लगइन के हेल्प से आप कैसे आपकी वेबसाइट में एक गैलरी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पहले वाली गैलरी कुछ इस तरह की दिख रही थी और अभी वाली गैलरी इस तरह की दिख रही है। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं अगर आप एक प्लगइन की हेल्प से आप गैलरी क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे अपनी वेबसाइट में एक गैलरी ऐड कर सकते हैं, कस्टम गैलरी। बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने में ये गैलरी होती है, फू गैलरी की हेल्प से मैंने ये वाला गैलरी क्रिएट की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप इसी तरह के वीडियो भविष्य में देखना चाहते हैं, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ब्लॉगिंग और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी मिस ना कर सकें। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।